हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए, लाए हैं सांभर दाल की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने सांभर दाल देखी है, कुछ इस प्रकार की होती है, इसको अरेड़ की दाल भी बोल लेते हैं। तो हमने 20 मिनट पहले इधर पानी में डाल दिया था, कुछ इस प्रकार हमारी दाल फूल के रेडी हो गई। देख सकते हो अच्छे से फूट भी रही है, टूट रही है। तो 20 मिनट पहले हमने अच्छे से गर्म पानी में डाल दिया था इसको। इधर हमारी सूखी है, कुछ इस प्रकार की होती है। तो चले बनाएं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने कुकर, हमारी दाल को हम कुकर में डाल देते हैं, अच्छे से फूल चुकी है। तो यहाँ हमने कुकर में दाल डाल दिया, तो इसको हम दाल डाल के अच्छे पानी से एक बार फिर से धो लेते हैं, क्योंकि हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो इस पानी को निकाल देंगे हम। तो यहाँ पर हमारी दाल को अच्छे से पानी से धो लेंगे, फिर इसमें एक लोटा जितना चाहेगा उतना पानी हम अच्छा डालेंगे। तो यहाँ पर हम गंदा पानी को निकाल देते हैं, नल का पानी था उसको बाहर निकाल देते हैं। तो पूरा पानी हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर हम डालेंगे अच्छा पानी। तो अच्छा पानी हमने जितना चाहेगा उसी हिसाब से ऐड कर देंगे। तो आप भी उसी हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पर हमने पानी डाल दिया हमारे दाल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम डालेंगे नमक, नमक थोड़ा सा हमें ऐड कर देते हैं इसमें। नमक हमने डाल दिया, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम हल्दी डाल देते हैं। चलो हल्दी हमने डाल दिया, तो इसको 3 सीटी लगाएं जितने तक हम पका लेते हैं, 3 सीटी तक। तो यहाँ पे हमने गैस कर दिया ऑन, और हमारा कुकर बंद करके सीटी लगने तक, 3 सीटी लगने तक हम गैस पे इसको रख दिया, 3 सीटी लगने तक इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है, जब तक हमारा सीटी लगती है हमारी दाल में, जब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी, तेल डाल दिया कढ़ाई में। तो हम गैस ऑन कर देते हैं, गैस ऑन कर दिया हमने, जब तक हमारा तेल गर्म होता है, जब तक हम कुछ मसाले काट लेते हैं। तो यहाँ पर रख दिया हमने कढ़ाई में तेल, तेल हमने डाला है सरसों का, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर डालेंगे हम 1/4 चम्मच राई, थोड़े से हम जीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिए हमने कुछ रेड मिर्ची है 3-4, ये करिया पत्ता है, तो इन्हीं को भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रेड मिर्ची ऐड कर दिया, थोड़े से डालेंगे करिया पत्ता, थोड़े से डालेंगे। यहाँ पर लिए हमने ग्रीन मिर्च लिए, एक टुकड़ा हमने भी एक छोटा सा बैंगन कट किया है, 2-1 मीडियम साइज के प्याज कट करे। तो यहाँ पर लिए हमने कैरेट, कैरेट को हमने छोटे छोटे फेंचों में कट कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी ली हमने सरीजने की फली, उसको भी हमने कट कर लिया। तो चलो बनाते हैं। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं जो ग्रीन कटी हुई मिर्ची, उसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कटी हुई मिर्ची को ऐड कर दिया, थोड़ा सा हम घुमाएंगे। इसी प्रोसेस में हम डालेंगे इसमें हमारी कटी हुई गाजर, गाजर को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को एक एक करके ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर सरीजना की फली, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसको घुमाते हुए थोड़ा सा पका लेते हैं। प्याज हमारे थोड़ी देर बाद में डालेंगे, तो प्याज हमने बाजू में रख दिया, थोड़े से लिए। यहाँ पर हमने 3 प्याज वो टमाटर कट कर लिए, टमाटर मोटे मोटे हमने कट किया, तो इसको भी हम बाद में डालेंगे। तो चलो हमारा मसाला तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारे जो सभी चीज़ें हमने डाली थी, कुछ इस प्रकार पक गई है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा हमने भून लिया। तो अभी इस प्रोसेसर में हम डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज, प्याज को हम अभी डालेंगे, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सॉफ्ट रखना है हमें। तो यहाँ पर प्याज को भून लेते हैं, थोड़ा सा डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, नमक हमने हमारे दाल में भी डाला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार नमक डाल देते हैं हम, थोड़ा सा सभी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिए घर की खाने वाली मिर्ची, तो थोड़ी सी 1 चम्मच मिर्ची डाल देते, तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मसाला 1 चम्मच डालेंगे, तीखी मिर्ची है हमारी। थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी, हल्दी भी हमें दाल में डाल दिया था। तो
यहाँ पर थोड़ा सा हमने हल्दी डाल दिया। एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। थोड़े से लिए यहाँ पे हींग, फ्रेंड्स हींग सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़रूर डालें। हींग से हमारे सांभर में खुशबू भी अच्छी आती है, फ्लेवर अच्छा आता है इससे। तो यहाँ पर हींग भी हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। खुशबू भी अच्छी आने लगी है हमारे मसाले से। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा। हमारा ढाबा स्टाइल में हमारा सांभर बन के तैयार होएगा। घर में तो आपने बहुत खाया होगा, अपने कुछ इस प्रकार बना के तैयार करना, बहुत अच्छा बनता है। एक चम्मच डालेंगे यहाँ पर चीनी, आप चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हो, इसी से हमारा टेस्ट सांभर का बढ़ जाएगा। ढाबा स्टाइल में हमारा सांभर बन के तैयार होगा। तो हमें एक चम्मच चीनी डाली, आप चाहे तो थोड़ा गुड़ भी ऐड कर सकते हो। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं भूंदा ना हमारा प्याज का, वो टमाटर कटे हुए हैं, हम टमाटर भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोटे मोटे टमाटर कट किया था, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसको भी सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। हमारा जब तक पकाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा हमारा टमाटर। मीडियम में फ्लेम पर आप पकाएं, अच्छा सा सिलो सिलो आज का अच्छा सा पक के तैयार होता है। उसी से हमारा सांभर का टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पक लेता मसाला, जब तक हम कुकर की तरफ चलते हैं। हमारे दाल पक गए हैं, तो हम कुकर की सीटी को निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारी दाल को भी देख लेते हैं, आपको दिखाएंगे। हमारी दाल भी पक के तैयार हो गई, बहुत अच्छे से हमारी दाल पक के तैयार हुई है। हमने चार सीटी लगवाई, देखिए। तो हम यहाँ इसको ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दाल अगर ज़्यादा मैश करेंगे तो थोड़ा पानी पानी हो जाएगी। तो ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा चम्मच से घुमाते हुए इसको थोड़ा सा मैश करके हम हमारे कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। तो चले कढ़ाई के अंदर मसाला हम डाल देते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया, तो यहाँ पर हमारी सांभर दाल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सांभर डाल दिया, देख सकते हो कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ी देर पका लेते, 2 मिनट के लिए। तो हमारे सांभर में उबाल आ चुका है, हमारे सांभर में उबाल आना शुरू हो गया। तो इसी स्टेज पर डालेंगे हम इमली का पानी। हमने इमली का पानी को थोड़ा गर्म करके और अच्छे से इसको छान के कटोरी में ले लिया था। आप इसी प्रेशर में डाल दें, जितना आप खट्टा खाए उस हिसाब से आप इमली का पानी ऐड करें। तो यहाँ पर हमने मिला दिया, क्योंकि इमली इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि इमली का पानी हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से नहीं पकता है खट्टापन से, तो हमें लास्ट में डालना है इमली का पानी। इसी से क्या होता है हमारा सांभर में टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर एक उबाल आने देंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिया हमने सांभर मसाला, आप देख सकते हो। तो इसी को हम ऐड करें, तो 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं, उसके बाद में ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारा सांभर बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा सांभर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर हम लास्ट में डालेंगे हमारा सांभर मसाला। तो यहाँ पर सांभर मसाला 1 चम्मच हम ऐड कर देते हैं। यही तो है हमारा सांभर मसाला का चमत्कार। तो इस चमत्कार को हम ऐड कर दिए, वाव खुशबू आना शुरू हो गई। तो इसको 2 मिनट पका लेते हैं हम ऐड करके। तो हमारा 2 मिनट हमारा मसाला डाल दिए, 2 मिनट पका लेते हैं, हमारा सांभर तैयार है। फाइनली हमारा सांभर तैयार हो गया फ्रेंड्स, एक बार जरूर घर में ज़रूर बनाएं आप भी। ढाबा स्टाइल में बहुत अच्छा सा बन के तैयार हुआ है, टेस्टी है, बहुत खुशबू आ रही है। तो चलो हम बाउल में निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो हमारा सांभर फाइनली तैयार हो गया, कुछ इस प्रकार बन के तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, देखिए कितना अच्छा सा हमारा सांभर बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सांभर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।